अगर आपके भी स्मार्टफोन के अंदर जियो सिनेमा नहीं चल रहा है, आप जियो सिनेमा पे कोई एपिसोड देखना चाहते थे, कोई आईपीएल का मैच देखना चाहते थे, कुछ भी अगर आप जियो सिनेमा ऐप पर देखना चाहते थे, कोई मूवीज देखना चाहते थे, अगर आपका जियो सिनेमा नहीं चल रहा है तो उसको करें अभी ठीक। आज मैं आपको बहुत शानदार मेथड बताने वाला हूं, जिस तरीके को फॉलो करके आप इजी स्टेप्स में अपने जियो सिनेमा जो ऐप है एप्लीकेशन को ठीक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आई होप अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले, कोई नॉलेज मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन दिस चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जियो सिनेमा ऐप जो होता है ये वाला, तो ये आपके अगर स्मार्टफोन के अंदर नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि उनका जियो सिनेमा वर्क नहीं करता है। अगर आपकी भी यही समस्या है, आपके मोबाइल के अंदर जियो सिनेमा ऐप वर्क नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल से स्टेप है। अगर आप जियो सिनेमा ऐप को ओपन करें, अगर ये ओपन होकर आपके चलने लग जाता है, प्ले हो जाता है, तो आपका जियो सिनेमा ऐप काम कर रहा है। लेकिन अगर जियो सिनेमा ऐप आपके नहीं चलता है, तो फिर आपको क्या करना है, इस जियो सिनेमा ऐप को अनइंस्टॉल करना है, रीइंस्टॉल करना है, और उसके बाद में जियो की सिम का इंटरनेट को एक्सेस करते हुए आपको चलाना है, तो आपको जियो सिनेमा ऐप वर्क करने लग जाएगा। काफ़ी बार हमें स्मार्टफोन के अंदर इसका अनवांटेड डेटा सेव रह जाता है। अगर आप जियो सिनेमा ऐप का अनवांटेड डेटास को डिलीट करें और उसके बाद में आप जियो सिनेमा ऐप को यूज़ करें, आपके फ़ोन के अंदर जो जियो सिनेमा ऐप नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम है वो ठीक एंड सही हो जाएगी, और आपके स्मार्टफोन में इसी स्टेप्स में आप जियो सिनेमा ऐप को चला सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए और आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जियो सिनेमा ऐप को चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहती है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें।